वेलकम बैक टू स्प्रिंट व्हील्स गाइस। एंड Hyundai ने रिसेंटली अपनी वेन्यू के अंदर एक नया ट्रांसमिशन ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है IMT ट्रांसमिशन ऑप्शन, जिसे हम इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो मेजर हाईलाइट है कि ये क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन होने वाला है, कि आपकी गाड़ी के अंदर जो क्लच पेडल है अब वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक और रेस पेडल होगा। उसी के साथ साथ जो गियर बॉक्स होगा वो आपको कन्वेंशनल मैनुअल ट्रांसमिशन की जैसे उसके अंदर जैसे आप गियर शिफ्ट करते थे वैसे ही होगा। इसके अंदर एडिशनली क्या होने वाला है, कैसे ये काम करने वाला है, और इसके अंदर इसी के साथ साथ Hyundai ने एक स्पोर्ट्स प्लस पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पॉइंट और इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगा। और कुछ नए फीचर्स भी इसके साथ साथ Hyundai ने अपनी पूरी वेन्यू की जो लाइनअप है इसके अंदर इंटीग्रेट किए हैं नए फीचर्स। तो यही सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। और इससे पहले हमने एक IMT ट्रांसमिशन के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है जो कि जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि IMT ट्रांसमिशन एक्चुअली में काम कैसे करता है, और वो बाकी ट्रांसमिशन ऑप्शन जो कि बाकी गाड़ियों में आते हैं लाइक मैनुअल है, AMT है या फिर DCT है, उनसे कैसे डिफरेंट है, वो सारी डिटेल्स हमने उस पूरी वीडियो में कवर की हुई है, एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है। तो आप उस वीडियो को भी क्लिक कर सकते हैं, उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एक लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन है उसमें फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए डेली ऐसा ऑटोमोटिव कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। जी हाँ, डेली लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू द स्प्रिंट व्हील्स यूट्यूब चैनल। तो अगर मैं बात करूँ जो की हाईलाइट्स होने वाले हैं जो Hyundai वेन्यू IMT मॉडल में होने वाले हैं, वो ये है कि जो IMT वेरिएंट है वो इसके बाकी जितने भी ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं जो पेट्रोल वेरिएंट्स के या फिर उसके इक्विवेलेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जिसके अंदर आएगा वेरिएंट्स के अंदर, उनसे 20,000 इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर होने वाली है एज़ कम्पेयर टू जो इसके लोअर वेरिएंट्स हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के। और जो DCT वेरिएंट्स हैं उनसे इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होने वाली है। और जो ये IMT गियरबॉक्स है Hyundai ने कुछ ही अपने वेन्यू के वेरिएंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो की हाईलाइट है जो स्पोर्ट्स पैक जो अब आपको मिलने वाला है, वो आपको जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है और जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि इस गाड़ी में पहले से ही मौजूद थे, उन सारे ही इंजन ऑप्शंस के साथ आपको स्पोर्ट्स प्लस पैक मिल जाएगा। लेकिन वो भी आपको कुछ ही वेरिएंट्स के अंदर मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ Hyundai ने अपने बेस वेरिएंट्स के अंदर एक नया ट्रिम भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है S+ ट्रिम। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाएंगे अब वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और कौन से प्राइस पॉइंट जो आपको मिलने वाला है वो भी सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जो IMT ट्रांसमिशन है वेन्यू के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगा जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 9.99 लाख एक्स शोरूम से। तो जो की टेक अवे है कि IMT ट्रांसमिशन आखिर ऐसा है क्या, तो IMT ट्रांसमिशन के बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि IMT ट्रांसमिशन के अंदर आपको 2 पेडल्स मिलेंगे, एक ब्रेक पेडल मिलेगा आपको और एक एक्सेलरेटर का पेडल मिलेगा। जो क्लच पेडल है वो गाड़ी से निकाल दिया गया है, उसकी जगह गाड़ी में ऐसी क्या नई चीज़ आई है वो भी आपको क्लियर करता हूँ। तो जो IMT ट्रांसमिशन है ये एक तरीके का आप लगा लीजिए एक मैनुअल और ऑटोमेटिक का एक हाइब्रिड ट्रांसमिशन है। इसके अंदर आपको जब भी गियर शिफ्ट करना होगा तो इसके अंदर एक इंटेंशन सेंसर लगाया गया है। इंटेंशन सेंसर क्या करता है कि जब भी आपको गियर शिफ्ट करने के लिए आप लीवर को हल्का सा भी पुश करेंगे तो ये सेंस कर लेगा कि अब आप गियर शिफ्ट करने वाले हैं। तो जो सेंस करके जो सिग्नल होगा ये इसके अंदर एक ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है जिसको हम TCU कह सकते हैं, उसको ये सिग्नल भेजेगा कि हाँ अब जो हमारा ड्राइवर है वो गियर शिफ्ट करने वाला है। तो ये TCU यूनिट फर्दर जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर है उसको एंगेज या डिसंगेज करने का काम करेगा, कि मतलब जब भी आप गियर शिफ्ट करेंगे तो ये क्लच को एंगेज कर देगा और आप आसानी से गियर शिफ्ट कर पाएंगे, और जैसे ही आपका गियर शिफ्ट हो जाएगा तो फटाफट से उसको डिसएंगेज भी कर देगा। अब यहाँ पे जो एक्चुएटर है ये आपको जो बाकी AMT ट्रांसमिशंस वगैरह के अंदर आता था उसके अंदर भी एक्चुएटर आता था, लेकिन उसके अंदर ये इंटेंशन सेंसर वगैरह वाली जो यूनिट्स हैं ये सब नहीं आती थी। तो अब इसके अंदर बिकॉज ये मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसके अंदर आपका क्लच पेडल नहीं है जिसकी मदद से आप एंगेज या डिसएंगेज करते थे क्लच को, तो वो काम अब आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर करेगा, और उसको सिग्नल्स देने के लिए ये बाकी सारी TCU और इंटेंशन सेंसर्स की यूनिट इसके अंदर इंटीग्रेट करी गई हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छा एक थॉट है Hyundai की तरफ से, और Hyundai की तरफ से ही क्यों किया की तरफ से भी, बिकॉज किया ने सबसे पहले
IMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था, ये अपने मार्केट के अंदर बताया था कि वो सोनेट जोन्स की उनकी आने वाली है 7th of August को, तो उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में भी हम एक डिटेल्ड रिव्यू बनाएंगे ऑन द डे वन ऑफ द लॉन्च। ओवरऑल देखा जाए तो IMT ट्रांसमिशन एक ड्राइवर कन्वीनियंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ अब जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है वेन्यू के अंदर, उसमें अब आपको 3 टाइप के ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन जो कि आपका ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, और इसी के साथ साथ अब जो ये नया इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आया है IMT ट्रांसमिशन, तो ये 3 ऑप्शन अब आपको मिल जाएंगे। और जिस भी टाइप के ऑप्शन के साथ आप वेन्यू को लेना चाहते हैं, जिस भी प्राइस पॉइंट पे आपका बजट अलाउ करता है, तो आप उस प्राइस पॉइंट पे ले सकते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ह्युंडई और किया दोनों ही अपने मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकल के आ रहे हैं, बिकॉज वो कस्टमर्स को इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि हर एक कस्टमर के लिए उन्होंने एक वेन्यू बनाई हुई है, हर एक कस्टमर के लिए किया ने एक सोनेट बनाई हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे नए फीचर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, और स्पोर्ट्स पैक के अंदर आपको क्या नए फीचर्स मिल जाएंगे, और क्या अपग्रेड्स इसके अंदर आपको मिला है, तो वो सब हम बात करते हैं। तो जो Hyundai का जो स्पोर्ट्स पैक है वो आपको 3 वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है, जो कि है SX, SX प्लस और SX ऑप्शनल वेरिएंट्स। इन 3 वेरिएंट्स के अंदर ही अवेलेबल है ये, जो कि आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाएंगे, या फिर आपको 1.5 लीटर डीजल मैनुअल के साथ मिल जाएंगे, जिसकी प्राइसिंग मैं आपको तभी आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जो भी आपका 1 लीटर IMD ट्रांसमिशन है वो आपका स्टार्ट होता है 10.2 लाख से, और जो आपका IMD ट्रांसमिशन का जो SX4 ऑप्शन है जिसके अंदर आपको स्पोर्ट्स प्लस पैकेज मिलेगा, वो है आपका 11.21 लाख का, और इसी के साथ साथ जो 1 लीटर पेट्रोल DCT है वो आपको 11.58 लाख का जाता है, और 1.5 लीटर डीजल आपको 10.31 लाख से स्टार्ट हो गए 11.53 लाख तक आपको मिल जाता है। तो ये आपकी जो स्पोर्ट्स कॉस्मेटिक पैकेज जो इसके साथ मिलने वाला है, उसकी सारी प्राइसिंग वेरिएंट्स वाइज डिटेल्स आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से वेरिएंट के साथ आपको कौन सी प्राइस पॉइंट पे ये मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है स्पोर्ट्स पैकेज में। तो स्पोर्ट्स पैकेज जो है इसके अंदर आपको ड्यूअल टोन कलर के, तो पहले आपको एक्सटीरियर ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके साथ साथ जो ग्रिल है जो पहले क्रोम ग्रिल होती थी वो अब आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल मिल जाएगी, जिसके अंदर एक रेड कलर का छोटा सा एक इंसर्ट है जो कि प्लस की फॉर्म में है, जो इसको बनाता है स्पोर्ट्स प्लस, जो कि डिफाइन करता है कि ये एक स्पोर्ट्स प्लस पैकेज है। और पूरे जो इसके अलॉय व्हील्स हैं, चाहे जो बाहर के एक्सटीरियर्स हैं, वो आपको एक पूरी ब्लैक्ड आउट एक स्पोर्ट्स थीम के साथ मिलेंगे, दैट इज़ वाई इसको एक स्पोर्ट्स प्लस पैकेज कहा जा रहा है। बाहर से आपको डार्क ग्रे रूफ रेल्स मिल जाएंगी, और उसी के साथ साथ जो पूरा एक डार्क ग्रे इसके अंदर कलर मिल जाएगा, इसी के साथ साथ जो फ्रंट बम्पर है उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ रेड इंसर्ट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो साइड क्लैडिंग है उसके अंदर भी आपको रेड कलर के इंसर्ट्स या फिर लाइनिंग की डिटेलिंग मिल जाएगी। जो इसी के साथ साथ जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी आपको रेड कलर के मिल जाएंगे। जो फ्रंट और रियर व्हील आर्चेस होंगे उनके अंदर भी आपको एक रेड कलर का स्पोर्टी सा एक्सेंट मिल जाएगा, और एक स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैजिंग मिल जाएगी आपको रियर पिलर पे। बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या मिलेगा आपको नया। इंटीरियर के अंदर आपको एक नया ऑल न्यू स्टीयरिंग मिल जाएगा, जो विद रेड स्टिचिंग, जो कि आपको क्रेटा से बोरो किया गया है डायरेक्टली। नया जो स्टीयरिंग है वो सेम एज इट इज़ क्रेटा से वेन्यू के अंदर डाला गया है, और इसके अंदर एक डार्क ग्रे अपोल्स्ट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है इस बार आपको, विद रेड स्टिचिंग एंड पाइपिंग ऑल अराउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्टी फैक्टर को एनहांस करता है। और जो इसके जो ब्रेक और एक्सेलेरेटर पेडल है उसके ऊपर भी एक मेटल फिनिश दी गई है, जो कि काफ़ी हद तक एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देती है आपको। बाकी अगर बात करें छोटी मोटी डिटेल्स की, जो AC वेंट्स हैं या फिर जो एयर नॉब्स या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अराउंड जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी रेड कलर के एक्सेंट्स दे दिए गए हैं, तो ये सारी डिटेलिंग आपको जो केबिन है इसके अंदर पूरी मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर थीम देखी जाए केबिन की तो वो भी पूरी ब्लैक्ड आउट ही होने वाली है। अगर बात करें जो इसके अंदर नया वेरिएंट है, जो S+ वेरिएंट है, जो बेस जो वेरिएंट्स हैं इसके ES, उसके साथ एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है S+ वेरिएंट, जो कि अब आपको 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल के साथ ऑफर किया जा रहा है, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है 8.32 लाख। उसके अंदर भी कुछ आपको एनहांसमेंट मिल जाएंगे इंटीरियर्स के अंदर, कुछ एक दो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसके अंदर भी, बाकी इसके जो बेस वेरिएंट्स हैं उनके मुकाबले, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप जो इंट्रोडक्टरी बायर्स हैं, लाइक जो हैचबैक से एक कॉम्पैक्ट SUV की तरफ अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा वेरिएंट वो निकल के आने वाला है S+ जो वेरिएंट है। अब बात करते हैं कि प्राइसिंग की।
सबसे पहले बात कर लेते हैं IMT वेरिएंट है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ जो आने वाला है, उसकी प्राइसिंग क्या क्या होने वाली है और कौन से वेरिएंट्स में आपको मिलने वाला है। तो जो IMT ट्रांसमिशन है आपको मिड वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है SX वेरिएंट। SX वेरिएंट मिलेगा आपको 9.99 लाख से। उसके बाद SX स्पोर्ट्स पैकेज के साथ मिल जाएगा आपको 10.20 लाख का। उसके साथ टॉप एंड ट्रिम है इसका SX ऑप्शनल, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा विद SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल स्पोर्ट्स पैकेज जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, उनकी कीमतें भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जो कि है 11.09 लाख और 11.21 लाख। तो एक काफ़ी अच्छा पैकेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्पोर्ट्स पैकेज, और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस के साथ इंट्रोड्यूस किया है कि हर एक वेरिएंट के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जो मिड वेरिएंट्स के अंदर जो कस्टमर्स काफ़ी प्रेफर करते हैं वेरिएंट्स को लेना, तो उनको एक काफ़ी अच्छा अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, और एक ड्राइवर कन्वीनियंस के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा मिड वेरिएंट्स जो कस्टमर लेते हैं उनके लिए भी, और टॉप एंड वेरिएंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ही। वही बात करें अगर ओवरऑल प्राइसिंग की, ये कैसे अपने बाकी सारे वेरिएंट्स के अंदर प्राइस होती है, तो इसका प्राइस वेन्यू का स्टार्ट होता है 6.7 लाख से, जो इसका बेस ई वेरिएंट है, और इसका टॉप एंड ट्रिम जो स्पोर्ट्स प्लस पैकेज के साथ आता है डीजल मैनुअल, वो जाता है 11.53 लाख तक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके अंदर आपकी सारी डाउट्स जो भी Hyundai की जो नई वेन्यू लॉन्च हुई है विद IMD ट्रांसमिशन और कुछ स्पोर्ट्स प्लस पैकेज के साथ कुछ नए वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो सारी जो आपके मन में डाउट्स होंगे इसके रिलेटेड या जो भी क्यूरियोसिटी या क्वेश्चंस होंगे आपके मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, वी वुड लव टू आंसर देम। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि सोनेट भी IMD ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च होने वाली है 7th of August को, तो जैसे ही वो लॉन्च होगी आई विल बी ड्रॉपिंग अ न्यू वीडियो ऑफ द किया सोनेट ऑल्सो राइट हेयर ऑन स्प्रिंट व्हील्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डेली स्प्रिंट व्हील्स के ऊपर नई वीडियोज लेके आता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ तब तक के लिए इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग ऑन सच अमेजिंग कॉन्टेंट। सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू द स्प्रिंट व्हील्स यूट्यूब चैनल, इट रियली रियली मोटिवेट्स अस। अंटिल देन इट्स योर होस्ट हितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्प्रिंट व्हील्स एंड आई विल सी यू लेटर इन अनदर वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।